के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की थी कि 2021 का वर्ष जो है नियुक्ति वर्ष होगा। अब सवाल विपक्ष नहीं सरकार में ही शामिल कई लोग उठाने लगे हैं, चाहे वो सरयू राय हो जो समर्थन दे रहे हैं या फिर विनोद सिंह हो माले के, वो बोल रहे हैं कि अब रोजगार के मसले पर सरकार को सोचना चाहिए। सन्नी जी, हालांकि इतना तल्ख टिप्पणी नहीं करना चाहिए हमको, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ कि आप इस धरती पर रहते हैं या अंतरिक्ष में रहते हैं? अभी जिस तरह से छठी JPSC के मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया हाईकोर्ट ने, कहा यही जा रहा है कि आप लोगों ने हड़बड़ी में गड़बड़ी की। चोर मचाए शोर, इसी कहावत को भारतीय जनता पार्टी के लोग आज चरितार्थ कर रहे हैं JPSC के मामले में। लोग इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हो, JTET के अभ्यर्थी हो या फिर अन्य परीक्षा के, जो इंतजार कर रहे हैं। अभी 7th JPSC का भी PT का एग्जाम होना था, कोरोना संक्रमण की वजह से डेट एक्सटेंड हुआ। लगता है कि सरकार अब फोकस करके उन युवाओं पर काम करे। एक महीने पहले जो साहिबगंज में दरोगा रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत हुई, लगातार विपक्ष सहित आदिवासी संगठन सवाल उठाते रहा, लेकिन करीब 1.25 महीने बाद आपकी सरकार ने न्यायिक जांच की घोषणा की। क्या लगता है कि थोड़ा देर हो गया? झारखंड में कोरोना संक्रमण का दूसरा वेव जैसे जैसे नरम हो रहा है, राजनीतिक पारा वैसे वैसे ही गर्म हो रहा है। कई मसलों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और लगातार घेरने का प्रयास कर रही है। रूपा तिर्की का मामला हो या फिर TSC का मामला हो या फिर कोई अन्य मामला हो या फिर JPSC और रोजगार का मसला हो, विपक्ष हर मसले पर सरकार को घेर रही है। इन्हीं तमाम मसलों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे जी हैं। उनसे हर एक मसले पर सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे। विनोद जी, एक तो कोरोना संक्रमण के बीच लगातार सरकार उसे कम करने में लगी रही, लेकिन विपक्ष के तरफ से लगातार जिस तरह से हमले हो रहे हैं, लग रहा है कि बचाव नहीं कर पा रहे हैं आप। नहीं नहीं, बचाव करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। बचाव तो इस राज्य की जनता कर रही है। जिस तरह से इस राज्य में संक्रमण बढ़ा और उसके बाद राज्य सरकार ने जिस तरह से उस पर काबू पाने का प्रयास किया, हम समझते हैं कि इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, उनके कुशल प्रबंधन में इस राज्य ने कोरोना पर काबू पाया। और आप देश के अन्य राज्यों से अगर तुलना करेंगे तो हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर संक्रमण पे काबू पाया गया है, रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा बेहतर है, लोगों के मरने की संख्या कम है और जो एक्टिव केस हैं उसकी भी संख्या कम है। कम समय में हम लोगों ने जिस तरह से इस संक्रमण पर काबू पाया है, मैं समझता हूँ कि देश के किसी राज्य ने इस तरह का काम नहीं किया है। और ये इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कुशल प्रबंधन, प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग और राज्यवासियों के सहयोग से ये संभव हो पाया है। शुरुआत जो विपक्ष इस बार घेरने की वो था रूपा तिर्की का मामला। एक महीने पहले जो साहिबगंज में दरोगा रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत हुई, लगातार विपक्ष सहित आदिवासी संगठन सवाल उठाते रहा, लेकिन करीब 1.25 महीने बाद आपकी सरकार ने न्यायिक जांच की घोषणा की। क्या लगता है कि थोड़ा देर हो गया और इसलिए अविश्वास का भाव लोगों के मन में? नहीं नहीं, कोई देर नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि उसके पहले सरकार ने SIT का गठन किया और उसमें जो प्रथम दृष्टिया में जो दोषी पाए गए उनकी गिरफ्तारी भी हुई, वो जेल भी गए। और उसके बाद सामाजिक संगठनों ने जिस तरह से ये बातें कही कि नहीं, हम लोगों को CBI जांच चाहिए और उस मामले को, या SIT का जो जांच था उसको उन लोगों ने खारिज करने का काम किया। तो उसके बाद सरकार ने ये निर्णय लिया कि न्यायिक जांच कराई जाए और चीफ जस्टिस जो हाईकोर्ट से रिटायर हैं यहाँ के, उनके अध्यक्षता में कमेटी बनी और वो कमेटी अब इस केस की जांच करेगी। तो लोगों की जो भावनाएं हैं उस भावना के अनुरूप सरकार काम कर रही है, लेकिन विपक्ष किसी के मौत पे, संक्रमण पे अगर राजनीति करने का प्रयास करता है तो इस राज्य की जनता उसको जवाब देगी। आपने देखा होगा कि पूरे संक्रमण काल में
भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने सरकार के कामकाज में सहयोग करने का काम नहीं किया, संक्रमण पे काबू पाने में किसी तरह का सहयोग नहीं किया, ना इस राज्य के लोगों को किसी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया। जबकि लोकसभा के 12 यहाँ पर सांसद हैं, राज्यसभा के 4 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उसके बावजूद भी सीमित संसाधन में इस सरकार ने काम करना प्रारंभ किया, लेकिन किसी भी सांसद ने केंद्र सरकार से ये गुहार नहीं लगाई कि राज्य के पास सीमित संसाधन है, संक्रमण काल में राज्य सरकार को सहयोग की आवश्यकता है तो केंद्र सरकार सहयोग करे। जो अपेक्षा हम लोगों को केंद्र सरकार से थी, उस अपेक्षा पर केंद्र सरकार खरी नहीं उतरी, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य की जनता की जो अपेक्षा सरकार से है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, उस अपेक्षा पे हम खरा होने का प्रयास किया और हमको लगता है कि हम लोग उस अपेक्षा को पूरा भी करने में सफल हुए। बीजेपी के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जब बात करने के लिए फ़ोन करते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मन की बात करते हैं। आप वैक्सीन मुफ्त करने की बात कहें, मुफ्त तो कर ही दिया गया। नहीं नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि इस देश के प्रधानमंत्री जब भी अपनी बात सार्वजनिक रूप से कहने के लिए मीडिया पे आते हैं तो वो अपने मन की बात जरूर करते हैं। माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ में उनकी बैठक होती है, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री के दर्द को या उनके काम में कहाँ दिक्कत आ रही है, किस तरह से वो संक्रमण पे काबू पाने में सक्षम है नहीं है, ये बातें वो सुनने के लिए तैयार नहीं। आपने देखा होगा कि इस देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मच गया। 35% ऑक्सीजन इस राज्य ने देने का काम किया देशवासियों को, उसके बावजूद भी, चूंकि ऑक्सीजन जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, उस पर केंद्र सरकार का कंट्रोल है, तो इसकी जवाबदेही किसकी है? अगर ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु होती है, ऑक्सीजन उपलब्ध आप नहीं कराते हैं, ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण अगर किसी की मृत्यु होती है तो इसका जिम्मेवार कौन है? केंद्र सरकार जिम्मेवार है, ना कि राज्य सरकार। वैक्सीन की बात हम करते हैं तो वैक्सीन इस देश में लगभग सभी राज्यों में वैक्सीन की जो उपलब्धता है वो आपसे भी छुपा हुआ नहीं है, हमसे भी छुपा हुआ नहीं है, देशवासियों से भी छुपा हुआ नहीं है। उस पर नियंत्रण किसका है? केंद्र सरकार का। और जब हमने या केंद्र सरकार ने ये बात उठाई और केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उपहास उड़ाने का काम कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री के उस पत्र पर टिप्पणी करने का काम कर रहे थे, और आज हेमंत सोरेन जी के ही पत्र को संज्ञान में लेते हुए इस देश के प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया। देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आने का काम किया। एक कहावत है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, यही इस देश के केंद्र सरकार का हाल है और केंद्र सरकार के मुखिया का हाल। यही कहावत जेपीएससी पर भी शायद फिट बैठती है। अभी जिस तरह से 6ठी जेपीएससी के मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया हाईकोर्ट ने, कहा यही जा रहा है कि आप लोगों ने हड़बड़ी में गड़बड़ी की। जब पहले से पता था कि परीक्षा में गड़बड़ियां है, हेमंत सोरेन जब विपक्ष के नेता थे तब विधानसभा में वो सवाल उठाते थे, और वही सरकार में आते ही हड़बड़ी में मेरिट लिस्ट जारी कर दिए, और जिसके बाद 326 अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो अब अधर में लटक। देखिए, इसके लिए आप राज्य सरकार या हेमंत सोरेन जी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। इसके लिए जो जिम्मेवार है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पूर्व की सरकार है, और आज वही लोग, एक और कहावत मैं कह देता हूं कि चोर मचाए शोर, इसी कहावत को भारतीय जनता पार्टी के लोग आज चरितार्थ कर रहे हैं जेपीएससी के मामले में। जब दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, जब मामला न्यायालय में है तो न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए, न्यायालय ने जो फैसला दिया है उस फैसले का स्वागत करना चाहिए, और जिन लोगों का भविष्य अधर में है उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इसको किस तरह से हम और बेहतर कर सकते हैं, और न्यायालय का जो आदेश है, निर्देश है, उसको हम
पूरा कर सकते हैं। सरकार में आप प्रमुख दल हैं और इस सरकार ने, खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की थी कि 2021 का वर्ष जो है नियुक्ति वर्ष होगा। अब सवाल विपक्ष नहीं सरकार में ही शामिल कई लोग उठाने लगे हैं, चाहे वो सरयू राय हो जो समर्थन दे रहे हैं या फिर विनोद सिंह हो माले के, वो बोल रहे हैं कि अब रोजगार के मसले पर सरकार को सोचना चाहिए। सन्नी जी, हालांकि इतना तल्ख टिप्पणी नहीं करना चाहिए हमको, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ कि आप इस धरती पर रहते हैं या अंतरिक्ष में रहते हैं? आप इसी धरती पर हैं, तो आपने देखा होगा कि सरकार ने जब से कार्यभार संभाला उसके बाद से लगातार हम कोरोना के संक्रमण का सामना कर रहे हैं, लोगों के जिंदगी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों के जिंदगी को बचाने में सफल भी हुए हैं। अब उनका जीवन बेहतर कैसे हो, इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। और जैसे जैसे ये स्थिति सामान्य होगी, मैं समझता हूँ कि जो लोगों की जो अपेक्षा है या जिन लोगों ने सवाल उठाया है उनके सवालों का जवाब मिलेगा। लोग इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हो, जेटेट के अभ्यर्थी हो या फिर अन्य परीक्षा के जो इंतजार कर रहे हैं, अभी 7th JPSC का भी PT का एग्जाम होना था, कोरोना संक्रमण की वजह से डेट एक्सटेंड हुआ। लगता है कि सरकार अब फोकस करके उन युवाओं पर काम करे। बिल्कुल, उनको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सरकार की प्राथमिकता थी कि जो हमारे प्रवासी भाई या बहन जो अन्य राज्यों से इस राज्य में आए उनको रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता थी। इस राज्य के लोगों को संक्रमण काल में 2 जून की रोटी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता थी, उनका जीवन कैसे बचे ये सरकार की प्राथमिकता थी। तो अब उनका जीवन आगे बेहतर कैसे चलेगा, अब ये सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए मैंने कहा कि अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना। जो TAC को लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है, केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, झारखंड में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो बोल रहे हैं कि आप लोग दंतविहीन बनाने में लगे हैं। देखिए, कोई दंतविहीन नहीं है, कानून के दायरे में सभी चीज़ें हैं और मंत्री परिषद की बैठक में इसका निर्णय हुआ। निर्णय किन कारणों से हुआ ये भी आप जानते हैं और अर्जुन मुंडा भी जानते हैं। सरकार को बने हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, TAC का गठन ही नहीं हुआ, बैठक की बात तो आप छोड़ दीजिए, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार ने जब जब राजभवन को फाइल भेजी है तब तब वहाँ से फाइल वापस की गई है, उसके पीछे कौन सा कारण है, कौन सा भारतीय जनता पार्टी का दिमाग वहाँ पर काम कर रहा है? तो सरकार की मजबूरी कह लें, सरकार की प्राथमिकता कह लें कि TAC का गठन करना था, तो मंत्रिपरिषद में जब ये बातें आई तो मंत्रिपरिषद ने फैसला लिया और उस फैसले का पालन सरकार कर रही है। अब अर्जुन मुंडा जी इसको दंतविहीन कह लें तो इस स्थिति में लाने वाला आखिर व्यक्ति कौन है? दंतविहीन बनाने वाला TAC को कौन लोग हैं? ये पिछली सरकार के मुखिया से आप पूछ लें, अर्जुन मुंडा से पूछ लें तो वो बेहतर बताएंगे आपको। कहने का मतलब कि राज्यपाल BJP के इशारे पर काम कर रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि राज्य सरकार ने 2-2 बार फाइल राजभवन को भेजी और उस फाइल पर जो टिप्पणियां की गई उस टिप्पणी को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सरकार ने आखिर ये फैसला क्यों लिया। TAC के गठन में जो विलम्ब हो रहा था उस विलम्ब को दूर करने के लिए और TAC के बैठक नहीं होने के कारण बहुत से काम ऐसे हैं जो रुके पड़े हैं, उसमें बाधा आ रही है। तो सरकार की मजबूरी थी कि वो ये फैसला ले और मंत्रिपरिषद ने फैसला लिया है। आप मंत्रिपरिषद के फैसले को झुठलाने का काम कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण। ये थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे, जिन्होंने तमाम मसलों पर खुलकर बात की और बताया कि किस तरह से कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने जीवन बचाने में लगी रही
और अब जीविका और जीविका के साथ साथ रोजगार का जो सवाल है उस पर सरकार फोकस करके काम करेगी। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सनी सारद, द फॉलोअप रांची। द फॉलोअप डॉट इन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in